उमरखेड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत चनकापुर परिसर स्थित गुड्डे फार्म हाउस में शंकर राव गुड्डे से मारपीट का लूटपाट के मामले में चार आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें दो नाबालिग शामिल है। वारदात गुरुवार 19 मई की रात में हुई थी। खापरखेड़ा थाने का डीबी स्क्वाड इंचार्ज एपीआई दीपक कांगरेडवार उक्त मामले की जांच पड़ताल में जुटा था। गश्त के दौरान उसे लूटपाट के संदिग्ध आरोपी भंडारा जिले के लाखनी में होने की जानकारी मिली। इसके आधार पर लाखनी में दबिश देकर अनिल डोमाजी भानकर और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने लूटपाट की बात कबूल कर ली। वारदात में इस्तेमाल की गई मोपेड क्रमांक H40CD5677 भी जब्त की गई है। उक्त मामले में अभिषेक उर्फ मुस्ची भगवान दीन वर्मा और एक और नाबालिग को धर दबोचा गया। दोनों नाबालिगों को सूचना पत्र देकर उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर के मार्गदर्शन में थानेदार हृदय नारायण यादव, एपीआई दीपक कांगरेडवार, हवलदार उमेश ठाकरे, आशीष भूरे, नायक सिपाही प्रमोद भोयर, राजू भोयर, कांस्टेबल नुमान शेख ने इस कार्रवाई में भाग लिया। उनके घर में घुसकर फार्म हाउस में घुसकर लुटे हुए उनकी कान का सोने की बाजी और नगद 2000 रुपये लुटा कर उनसे मारपीट करके जबरन चाकू का दाम उठाकर दे गए। उसी संबंध में हम घटना के एक दिन के बाद से जैसे रिपोर्ट आई उसके बाद से कंटिन्यूस तपास में लगे हुए थे। तो कोई क्ल्यू मिल नहीं रहा था। जो गोपनीय सोर्सेस है वो एक्टिवेट किए थे। उनमें से हमें कल रात को यह पता चला कि इसका मुख्य संशय जो है एक विधि संघर्ष बालक है और वो घटना तारीख से गांव से लापता है। उसके साथ में एक अन्य व्यक्ति है जो भी गायब। तो उसका पता निकालने के लिए हम रात भर निकल भंडारा लाती है वहाँ से टूही और मोगा पुलिस स्टेशन की हद में घूमते हैं। तब जाके दिन मॉर्निंग में इसमें से जो संशयित आरोपी है अनिल ब्राह्मणकर वो मिला। उसके बाद एक विधि संघर्ष बालक मिला। तो उनको ताबे में लेकर जब पूछताछ की तो घटना के बारे में मालूम हुई। उनके अन्य दो साथीदार जो खापरखेड़ा में रहते हैं, एक अभिषेक वर्मा करके भगवान अभिषेक भगवान दीन वर्मा और एक विधि संघर्षग्रस्त वाला, ऐसे दो साथीदार और थे। तो उनको ताबे में लेकर पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की। PSI सूर्य प्रकाश मिश्रा मामले की जाँच कर रहे हैं।